I'm going to share you the video or we can say the demo for how to remove the makeup. तो इसीलिए फिर मैं कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके घर के कपड़े में आ जाना है, राइट? शायद ये वीडियो में विदाउट कट शूट करूंगी. एंड इस तरह की एक हेयरबैंड ले लीजिए सो दैट कि आपके बालों में अच्छे से आप उसको प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है? देन आफ्टर व्हाट यू नीड इज, मैं जो यूज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. फर्स्ट यू नीड दिस काइंड ऑफ जो कॉटन के जो रुइयाँ जो भी हम बोल सकते हैं जो मिलती हैं, मैंने ऑनलाइन ही ली थी. ये एक ही है, सॉरी, अच्छा नहीं, एक है, आई डोंट नो, हाँ एक ही है शायद. तो ये मैंने मंगवाई थी पर्पल से. तो अभी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. और आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आई मेकअप है और बहुत सारी लिपस्टिक है. सो फॉर दैट यू कैन यूज़ द कोकोनट ऑयल. हियर आई एम यूजिंग, आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट आई एम यूजिंग दिस बायो ऑयल. सो लेट्स सी, फर्स्ट इसको रिमूव करते हैं. सो कॉटन के पैड में आई एम टेकिंग सम ऑयल, 2 to 3 drops. आप जो वाटर आता है ना मेकअप रिमूवर वो भी यूज कर सकते हैं. सो सी, सो यू कैन सी कि बायो ऑयल ने अच्छे से काम किया है, राइट? सो पूरा फाड़ दिया, बट हाँ मेरी लिपस्टिक पूरी निकाल भी दी है. तो बस अभी इसी से मैं मेरा आँख का भी रिमूव करूँगी मेकअप से. सो मुझे लगा कि मैं शूट कर दूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए. मैं दूसरी बार ऑयल नहीं ले रही हूँ. नीचे से भी काजल निकालने का ट्राई डेफिनेटली करना, बिकॉज काजल भी ऐसी है कि निकलेगी नहीं, पूरी निकल गई है. यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ से भी अभी निकालेंगे पूरा कॉटन में, एक ही कॉटन यूज़ करूँगी जो एक ही झटके में मेरा पूरा मेकअप निकाल देने वाला है. आई नो दैट. तो पहले मैं ऑयल से ही, ये ही कॉटन से आप देख सकते हैं कि मैं रिमूव कर रही हूँ. सी, शायद कैमरा कैच कर पाए. तो यू कैन सी फटाफट से ये निकल गया है. दोबारा से भी इसी को रगड़ना है जब तक ये पूरा गंदा नहीं हो जाता. कॉर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस. सी, करना है दूसरी बार, अगेन एक नया वाला लेना है. अगेन दो ही बूंदा, बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है. दो ही बूंद ऑयल और इसको दोबारा से रब कर देना है फेस पे अच्छे से. तो बचा कुचा जो भी है ना निकल जाएगा, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स अगर आपके रह गई होगी तो भी निकल जाएगी. सी दिस बची कुची प्रोडक्ट. दूसरी बाजू का भी यूज कर लेंगे सो दैट मेन जो रहता है वो आई मेकअप ही रहता है, तो वो भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसको अच्छे से निकालो, सब कुछ इसका यूज़ कर लो यहाँ पे, इसका मतलब जो भी है बचा कुचा. ओके, कैन यू सी दिस, अभी पूरा इसका मैंने यूज़ कर लिया. दोबारा से इसको इस तरह से फिर ड्रॉप कर देंगे. आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रही है, बट मैं बराबर कर रही हूँ बिकॉज मैं चीज़ें फेंकने में नहीं मानती. देखिए जितना निकल रहा है उतना निकाल, बिकॉज ऑयल है तो डेफिनेटली वो निकालेगा आपका मेकअप. सी, ओके, अभी ये पूरा निकल चुका है, इसको निकाल रख देंगे. एंड आप देख सकते हैं कि फेस अच्छे से मेकअप मतलब अच्छे से निकल गया है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक गीला वाला वाइप लेना है जो ऑलरेडी इस तरह का आता है.
आप सोच रहे होंगे कि फेस वॉश क्यों नहीं कर सकते, बट फेस वॉश नहीं कर सकते हैं बिकॉज अच्छे से निकालना रहता है। एक बार अच्छे से पोंछ लूँगी। फेस वॉश करोगे तो स्किन खराब हो जाएगी, फेस वॉश बाद में लास्ट में करना है। सी व्हाट यू नीड टू डू इज अप्लाई क्लींजर, छोटा सा लैक्मे का मैं यहाँ पे क्लींजिंग मिल्क यूज कर रही हूँ बिकॉज ऑयल है ना तो निकालना तो पड़ेगा ना। तो यस आई एम यूजिंग दिस सो दैट कि जो भी मेकअप मेरे स्किन को अंदर भी घुसा हुआ होगा ना तो भी निकल जाएगा। एंड अभी मैं जस्ट वाइप कर रही हूँ। सो दैट कि जो भी बच्ची कुची जितनी भी डर्ट होगी मेकअप अगर स्किन में भी होगा सी निकल जाएगा। सी एक ठंडे पानी से अच्छे से फेस को क्लीन। तो मैंने फेस सादे पानी से धो दिया है, उसको मैं अभी क्लीन। सी डिफरेंस निकल गया पूरा मेकअप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 2 मिनट ऐसे ही रखना है, थोड़ा मतलब इसको भी ऑक्सीजन मिलना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो 2 मिनट ऐसे ही रखिए। 2 मिनट के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज टोनर बिकॉज पोर्स हमारे सारे अभी ओपन हमने कर दिए हैं बिकॉज क्लींजिंग मिल्क कर दिया, वो ऑयल से रिकल रिकल के घिस दिया तो डेफिनेटली पोर्स भी हमारे अच्छे से मेकअप करते रहे तो पोर्स ओपन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू मिनिमाइज अवर पोर्स और वी हैव टू ऑल्सो प्योरीफाइंग अवर स्किन। तो हियर आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स रोज हिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। तो यस दिस वर्क्स वेरी वेल, बहुत ही अच्छा टोनर है। सो यस आई एम यूजिंग दिस। एंड अच्छे से प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है, इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए अच्छे से। एंड यू हैव टू वेट अंटिल इट ड्राई एंड या ओके, बस इसको ड्राई होने दीजिए और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यूज समथिंग गुड काइंड ऑफ लोशन इफ यू वांट, अदरवाइज आई एम नॉट यूजिंग। मैं लोशन इस टाइम पे स्किप कर देती हूँ, मैं सिर्फ टोनर ही यूज करके फिर मैं सो जाती हूँ, ठीक है। सो यस दिस इज माय द क्या बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस द वे आई फॉलो हाउ टू रिमूव मेकअप का ये वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फटाफट से, ठीक है। और अगर कोई भी वीडियो आपको मतलब जानना है कि इसका क्या सॉल्यूशन एंड ऑल दैट तो लेट मी नो, मैं अपनी तरह से बहुत ही अच्छा वाला ट्राई करूँगी, ठीक है।